तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप ड्यूल स्टार्टर के अंदर सिंगल फेज प्रिमेंटर कनेक्शन करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिंगल फेज प्रिमेंटर है, इसका टाइप VBSP2 है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिंगल फेज प्रिमेंटर होता है, इसको मोटर स्टार्टर में लगाना क्यों जरूरी होता है, इस प्रिमेंटर को लगाने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, उसको एक बार समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा ड्यूल स्टार्टर है, जिसको कि हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही बोलते हैं, फ्रेंड्स, इस ड्यूल स्टार्टर से जब भी हम किसी मोटर को चलाते हैं और जब हमारा मोटर रनिंग कंडीशन में होता है, उसी टाइम पे अगर हमारे इस स्टार्टर को बराबर 3 फेज का सप्लाई नहीं मिलता है या कोई भी फेज का रोटेशन उल्टा हो जाता है, तो वहाँ पर फ्रेंड जो हमारा मोटर होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है, जिससे कि हमारा मोटर खराब होने का चांस होता है और कभी कभी हमारा मोटर जल भी जाता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप अपने इस स्टार्टर के अंदर इस प्रिमेंटर का कनेक्शन करेंगे, तो उससे क्या हुआ, जब आपका मोटर इस स्टार्टर से रनिंग रहेगा, वहाँ पे अगर इस स्टार्टर में कोई भी फेज मिस हो जाएगा या कोई भी फेज का रोटेशन उल्टा हो जाएगा, तो वहाँ पे ये सिंगल फेज प्रिमेंटर आपके इस स्टार्टर को चालू नहीं होने देगा, जिससे कि जो आपका मोटर होगा वो ख़राब होने से बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सिंगल फेज प्रिमेंटर का कनेक्शन इस स्टार्टर के अंदर कैसे करना है, आज की इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताऊँगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा L&T कंपनी का MK1 ड्यूल स्टार्टर है। अगर आपके पास किसी दूसरे कंपनी का कोई भी मॉडल का ड्यूल स्टार्टर है, तो आप उसमें आसानी से इस प्रिमेंटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये सिंगल फेज प्रिमेंटर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर टाइप लिखा है VBSP2। साथ ही फ्रेंड देखिए, यहाँ पे इस प्रिमेंटर का डायग्राम बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद इस प्रिमेंटर में यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन लैंप मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हेल्दी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है। जब फ्रेंड्स आपका प्रिमेंटर ऑन होगा, तो ये यहाँ पे लाइट ग्लो हो जाएगा, और जब ये ऑफ होगा तो यहाँ पे लाइट बंद रहेगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पे इस प्रिमेंटर का कुछ टर्मिनल दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, टोटल 6 टर्मिनल है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का 3 टर्मिनल है। फ्रेंड, जो हमारा 4 नंबर का टर्मिनल है, इसमें हमको कुछ भी कनेक्शन नहीं करना होता है, ये हमारा खाली रहता है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का टर्मिनल है, यहाँ पे 6 नंबर का टर्मिनल है। तो फ्रेंड, टोटल हमारा 5 टर्मिनल में कनेक्शन करना होता है, 1 टर्मिनल में कनेक्शन करना नहीं होता है। फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये सिंगल फेज प्रिमेंटर होता है, इसको सबसे पहले हमको 3 फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है, उसके बाद ये हमारा प्रिमेंटर वर्क करता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देखिए, जो आपका यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जो 3 पॉइंट है, इसी तीनों पॉइंट से हमको इस प्रिमेंटर को पावर सप्लाई देना होता है। उसके लिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, देखिए, जो हमारा ये 1 नंबर का पॉइंट रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक रेड कलर के वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1 नंबर वाले पॉइंट में एक वायर का कनेक्शन किया है। जो हमारा 2 नंबर का पॉइंट है, इसमें हमने क्या किया, एक दूसरे वायर का कनेक्शन किया है। और साथ ही फ्रेंड, जो हमारा 3 नंबर का पॉइंट है, इसमें हमने क्या किया, एक और वायर का कनेक्शन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमने रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास येलो कलर का वायर है, तो आप ग्रीन के बदले येलो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको क्या करना है, पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में क्या करना है, 3 वायर का कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड देखिए, जो आपका ये प्रिमेंटर रहेगा, इसको आपको 3 फेज कहाँ से देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस ड्यूल स्टार्टर का ये हमारा इनकमिंग सप्लाई है। तो आपको क्या करना है, इस प्रिमेंटर को आप जिस स्टार्टर के अंदर यूज कर रहे हैं, उस स्टार्टर का जो भी इनकमिंग सप्लाई होगा, उसी इनकमिंग सप्लाई से आपको क्या करना है, पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे रेड कलर का वायर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर का वायर को कनेक्शन कर रहे हैं। साथ ही फ्रेंड, जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है, जिसको कि हमने येलो कलर के जगह पे इस्तेमाल किया है, इसको फ्रेंड हम क्या कर रहे हैं, येलो के साथ यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। हमारा प्रिमेंटर का ये ब्लू कलर का वायर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लू के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से इसमें कनेक्शन करना है। और कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड्स, क्या करना है, आपको अच्छा से इसको टाइट करना है। अगर आप इसको लूज रखेंगे, तो ये क्या होगा, ये वायर यहाँ पे जल भी सकता है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस स्टार्टर का एक बार सप्लाई चालू करेंगे, और चालू करने के बाद फ्रेंड्स देखेंगे हमारा प्रिमेंटर काम कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा प्रिमेंटर है, यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे देखिए, हमारा एक रेड कलर का इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी आप अपने सिंगल फेज प्रिमेंटर का कनेक्शन करेंगे, तो वहाँ पे अगर आपका प्रिमेंटर का जो इंडिकेशन रहेगा, ये अगर बराबर ग्लो करेगा, इसका मतलब इस प्रिमेंटर का कनेक्शन सही हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर ये इंडिकेशन ब्लिंकिंग करेगा, बराबर ग्लो नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ये प्रिमेंटर का कनेक्शन गलत होगा। मतलब उसमें होता क्या है,
अगर आपके प्रिंटर को बराबर थ्री फेस सप्लाई नहीं मिल रहा है या कोई भी फेस आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया है तो वहाँ पे आपका प्रिंटर ब्लिंकिंग करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो आपने कनेक्शन किया है, अगर मान लीजिए आप रेड में येलो का कनेक्शन कर देंगे, येलो में रेड का कनेक्शन कर देंगे, कोई भी अगर फेस को यहाँ पे आप अगर उल्टा कनेक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका प्रिंटर यहाँ पे ब्लिंकिंग करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फेस को एक किसी भी फेस को चेंज कर देना है, जिससे क्या होगा आपका ये प्रिंटर का जो प्रॉब्लम होगा ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आप फ्रेंड जब भी कनेक्शन करिए तो आपको क्या करना है, आर वाई बी का ही कनेक्शन करना है, और यहाँ पर भी आपको एक नंबर में आर लगाना है, दो नंबर में बी लगाना है, तीन नंबर में वाई लगाना है। फ्रेंड्स अभी जो हमारा ये ड्यूल स्टार्टर है ये ओनली इस ओवरलोड रिले से कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ से हमारा ऑन हो जा रहा है, यहाँ से ऑफ हो जा रहा है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस ड्यूल स्टार्टर को इस सिंगल फेज प्रिंटर से भी कंट्रोल करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो इस प्रिंटर का ये पाँच नंबर छः नंबर का पॉइंट होता है, ये इसका एक्जेलरी पॉइंट होता है, ये इसका एनो पॉइंट होता है। फ्रेंड्स ये प्रिंटर काम कैसे करता है उसको एक बार समझ लेते हैं। फ्रेंड देखिए जब आपके इस प्रिंटर को बराबर थ्री फेस का सप्लाई मिल जाएगा, कोई भी फेस मिस नहीं रहेगा, तो वहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या होगा, आपका ये इंडिकेशन बराबर ग्लो होगा। और उसके बाद फ्रेंड जो ये आपका पाँच नंबर छः नंबर का पॉइंट एनओ है, ये क्या होगा आपका एनसी हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा आपका स्टार्टर ऑन हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर आपका प्रिंटर ऑफ रहेगा या इसको बराबर थ्री फेस सप्लाई नहीं मिलेगा, यहाँ पर लाइट ब्लिंकिंग करेगा, तो वहाँ पर जो ये पाँच नंबर छः नंबर का पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, आपका एनओ रहेगा, ये एनसी नहीं होगा, जिससे क्या होगा आपका स्टार्टर ऑन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये पांच नंबर और छह नंबर का पॉइंट है, इसमें से जो हमारा ये पांच नंबर का पॉइंट है, इसमें फ्रेंड्स हमको क्या करना है, एक फेस का सप्लाई देना होता है। आप किसी भी एक फेस से इसमें पावर सप्लाई दे सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये ड्यूल स्टार्टर होता है ये क्या होता है, आपका टू फेस का कंट्रोलिंग होता है। इसका जो क्वाइल होता है हमारा 440 वोल्ट का होता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, एक फेस हमको डायरेक्ट यहाँ पे ए टू में देना होता है। जैसे आप देखिए यहाँ से क्या किया है, रेड कलर से एक वायर को लेकर यहाँ पे ए टू में कनेक्शन किया है, और उसके बाद फ्रेंड जो हमारा दूसरा फेस है जो कि यहाँ से ब्लू कलर में, देखिए ये जो येलो कलर का वायर लगाया है, यहाँ पे आके एनओ में लगा होता है, और एनओ से फिर यहाँ पे होल्ड डाउन के लिए आता है, और फिर यहीं से एनसी पॉइंट में जाता है, मतलब ओवरलोड रिले से कंट्रोलिंग है एक फेस का। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका कंट्रोलिंग करना नहीं जानते हैं, अगर आपको ड्यूल स्टार्टर के बारे में उतना नहीं समझते हैं, तो हमने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, वीडियो आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। ऐसे फ्रेंड्स जब आप नया स्टार्टर को परचेज करेंगे तो उसमें ए वाला वायरिंग आपको होके मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा इस प्रिंटर को कनेक्शन करने के लिए। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए आपको जो यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ पे देखिए ए टू में जो कनेक्शन हुआ है, रेड कलर से डायरेक्ट एक फेस ए टू में कनेक्शन किया है, तो आपको क्या करना है, रेड कलर को छोड़ के येलो और ब्लू किसी भी दोनों फेस से एक फेस का सप्लाई आपको पांच नंबर में जोड़ देना है। उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पे हमारा तीनों फेस का सप्लाई आ रहा है, डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लूप लेंगे, और जो हमारा ये पांच नंबर का पॉइंट रहेगा इसमें क्या करेंगे, एक सिरा का कनेक्शन करेंगे, और जो हमारा ये दूसरा पॉइंट रहेगा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लू फेस में कनेक्शन कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स आप इसको येलो के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं, ब्लू के साथ भी कर सकते हैं, आपको रेड के साथ नहीं करना है क्योंकि रेड यहाँ पे डायरेक्ट ए टू में लग चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ब्लू कलर के साथ यहाँ पे पांच नंबर को हम पावर सप्लाई दे रहे हैं। आप फ्रेंड्स चाहे तो यहाँ से भी एक वायर लेके दे सकते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बात यह की हमने क्या किया, यहाँ से दे दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब देखिए जो हमारा इस प्रिंटर का 6 नंबर का आउटपुट पॉइंट होगा, इसका कनेक्शन अब इस स्टार्टर के अंदर कहाँ पे होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब यहाँ पे आपको एक चेंजेस करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या है, देखिए यहाँ से जो हमारा ये सप्लाई है, ये सप्लाई कहाँ, एनओ में आ रहा है, और एनओ से क्या हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस सप्लाई को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे एनओ का ये जो पॉइंट है, यहाँ से क्या करना है, इस येलो कलर के वायर को यहाँ पे निकाल देना है। निकालने के बाद फ्रेंड क्या करना है, आपको एक दूसरा वायर लेना है, जैसे देखिए हम यहाँ पे एक दूसरा वायर ले रहे हैं ग्रीन कलर का। आपको क्या करना है, इस वायर को इस पॉइंट में जो एनओ का ये पॉइंट रहेगा जिसमें कि हमारा पावर सप्लाई पहले लगा था, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड देखिए जो आपका ये प्रिंटर का 6 नंबर का पॉइंट रहेगा, ये आपका 6 नंबर का पॉइंट है, इस 6 नंबर वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, इस वायर का कनेक्शन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे एनओ से जो है यहाँ पे 6 नंबर में कनेक्शन कर दिया है। अब फ्रेंड्स होगा क्या, देखिए जो हमारा पावर सप्लाई होगा जो पहले यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे मिल जा रहा था, अब वो क्या होगा, ये ब्लू कलर के
वायर से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 5 नंबर में जाएगा और जब हमारा प्रिंटर काम करेगा उसके बाद 6 नंबर से आउटपुट होके यहाँ पे आएगा। वहीं अगर प्रिंटर काम नहीं करेगा तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा, जिससे आपका स्टार्टर ऑन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इसका सप्लाई चालू करके दिखाता हूँ कि जो हमारा ये ड्यूल स्टार्टर है ये इस प्रिंटर से बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंटर ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं तो हमारा ये ड्यूल स्टार्टर ऑन हो रहा है, और यहाँ से जब इसको ऑफ कर रहे हैं तो ये हमारा स्टार्टर ऑफ भी हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ से जब इसको ऑन कर रहे हैं, अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रिंटर हमारा काम कैसे करता है। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा स्टार्टर ऑन है और इसी कंडीशन में कोई भी यहाँ से एक फेस हमारा अगर मिस हो जाता है, इस प्रिंटर को एक फेस अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे देखिए कैसे स्टार्टर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी एक फेस को मिस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से हम रेड कलर के वायर को यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं निकालने के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे स्टार्टर देखिए ऑफ हो जा रहा है। वहीं फ्रेंड्स फिर से जब इस वायर को यहाँ पे हम लगा के इस स्टार्टर को चालू करेंगे तो हमारा स्टार्टर देखिए चालू हो जाएगा, और फिर जैसे ही इस प्रिंटर से कोई भी फेस मिस होगा तो देखिए प्रिंटर ऑटोमेटिक आपके स्टार्टर को बंद कर देगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका प्रिंटर का फेस उल्टा हो जाता है, जैसे मान लीजिए रेड रेड से हम येलो में लगा देंगे और येलो के वायर को रेड में लगा देंगे, उस कंडीशन में भी ये प्रिंटर काम नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों फेस को बदल रहे हैं, ग्रीन को रेड में लगाएंगे और रेड को येलो में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने फेस को चेंज कर दिया है, जो हमारा रेड कलर का वायर है इसको हम येलो कलर में कनेक्शन कर रहे हैं, और फ्रेंड्स जो हमने येलो के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया है इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेड में कनेक्शन कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने इस स्टार्टर के सप्लाई को एक बार चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रिंटर साउंड तो कर रहा है पर यहाँ पे लाइट ग्लो नहीं हो रहा है, एक बार ग्लो होकर बंद हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जब हम स्टार्टर को चालू करेंगे तो ये स्टार्टर हमारा यहाँ पे ऑन नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से हमारा फेस का रोटेशन उल्टा हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये प्रिंटर आपके इस स्टार्टर को ऑन नहीं होने दे रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मैं आपको दोनों तरह से चेक करके दिखा दिया हूँ। वही फ्रेंड्स अगर आपके पास इस टाइप का सिंगल फेज प्रिंटर है तो इस प्रिंटर का कनेक्शन आप इस ड्यूअल स्टार्टर में कैसे करेंगे, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको ड्यूल स्टार्टर के अंदर इस प्रिंटर का कनेक्शन करना है, जैसे कि मैं आपको बताया हूं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप वीडियो समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।